नमस्कार दोस्तों। तो ये यूपी पीसीएस 2023 का जो है पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, और ऑफिशियल आंसर की भी इसमें, ऑफिशियल आंसर की सहायता से इसको सॉल्व किया कराया जा रहा है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें बजट से था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराने का पर्पज ये है कि इससे पता चलेगा कि पहले किस तरह से आयोग क्वेश्चन डिजाइन करता है, किस तरह से फ्रेम करता है, इसको समझ पाएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है बजट से, है बजट से था। इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 30 था। अब देखिए यह फैक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन बताने का पर्पज यही था कि ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। स्पेयर पुस्तक पूछ रहा है कि कौन लिखा था, यह भी करंट में था उस समय, प्रिंस हैरी लिखे थे। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण, अब ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देखिए, सीधे डिफिनेशन पूछा गया है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को क्या कहते हैं, तो सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम बैलेंस अप्रोच अपनाएं, इसमें कोई भी हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको बैलेंसिंग करते रहें, उसी हिसाब से सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही बात, जो सबका साथ सबका विकास है, जो बीजेपी का नारा भी है, तो वही चीजें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी से आप याद रखिएगा कि सतत विकास उसी को कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे ही वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो एक छोटा सा डेफिनेशन, उसको एनवायरनमेंट में अप्लाई कर लीजिए, पार्टी से नहीं। राष्ट्रपति देखिए कथन है और रीजन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये तो सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, रीजन भी सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब आप ये बताएंगे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हों, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु कौन थे, ठीक है, तो नागसेन थे वो भिक्षु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा कौन सा सत्य है, चार स्टेटमेंट दिए हैं, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है, तो ये बात सही है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो जाता है और इसके मध्य होता है। उसके बाद पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, बेंगुला ठंडी धारा है लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं, दक्षिणी अंध महासागर की है। यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है, गलत हो जाता है, हाई टाइडल होता है इसमें, हाई टाइड। अल नीनो की बात करते हैं हम, एक होता है ला नीना और एक होता है अल नीनो, ठीक, तो इसको आइए पढ़ते हैं कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, यही गलत हो जाता है, बाकी जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और यहीं पर जो है फिशरीज की एक्वा कल्चर जिसको बोल सकते हैं, हालांकि एक्वा कल्चर बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि फिशरीज के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पानी ऐसा अनुकूल वातावरण हो जाता है फिशरीज के सेक्टर के लिए पेरू के तट पर। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष नहीं है। 1942 में जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायस राय थे। बाकी अरुणा असफ अली का नाम सुने होंगे, ये तो थी, मातंगिनी हाजरा थी, कनकलता बरुआ थी, ये दोनों लोगों का नाम बहुत कम सुने होंगे, इनका नाम नहीं सुने होंगे, तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि या तो आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत हो जाएगा। माउंट न्यूमैन पूछ रहा है किस खनिज के लिए है, तो लौह अयस्क के लिए है, आयरन ओर, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसी को ही वेल बैक आयरन भी बोलते हैं, आयरन और वेल बैक, यहाँ लिखा माउंट वेल बैक आयरन बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को ही माउंट न्यूमैन को ही, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किस टाइप से बनता है ये भी अब ध्यान दीजिए। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है, तो ताइवान। आपको पता है कि रशिया में ये पढ़ाई में भी इंक्लूड है, तो ये रसिया का भी है और ये ताइवान ने अभी जल्दी लागू किया था, तो इसीलिए ये करंट का क्वेश्चन बन गया था। फिर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कि मौलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करता है। आपको ये भी पता होगा कि 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं आर्टिकल 32 में, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है,
हाई कोर्ट का अलग आर्टिकल आता है, एम्पावर ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 226 226 में है वो आर्टिकल का जिक्र। तो पांच प्रकार के रिट जारी करता है, वो पांच प्रकार के रिट आपको आगे पता चल जाएगा। संबंध में दो कथन दिए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो यही पांचों रिट है, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, संसद का अधिकार है, तो दोनों यहाँ पर सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में पूछ रहा है बरेली जो है उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान। अब नाना साहब बताइए, हजरत महल बताइए और कुंवर सिंह बताइए, ये लोग उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, लेकिन अब ये कुंवर सिंह जो है दूसरे स्टेट से संबंधित है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुंवर सिंह का बहुत हाईलाइटेड पर्सन है तो आप लोग को पता भी होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, फिर से कथनों पर विचार करना है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पोप बेनेडिक्ट जो 16वें, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ था, यह भी करंट का क्वेश्चन है, और कथनों में से कौन सा सही है। यह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये भी सही है। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसलिए क्वेश्चन बना था क्योंकि किसी कंट्री ने, शायद अमेरिका ने या फिर रसिया ने, छुट्टी नहीं दिया था इस इनके उस पे, अवकाश नहीं दिए, तो इसीलिए हाईलाइटेड हो गए थे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान जो है, यति एयरलाइंस जो है, नेपाल जा रहा था, जब नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो आप लोग को पता होगा यदि यति एयरलाइन है। संगीत की टप्पा शैली की बात करते हैं हम लोग, कई शैलियां होती हैं जिसमें हम टप्पा शैली की बात करते हैं। किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुए थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला नाम था, मोहम्मद शाह। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, तो राजस्थान में हुआ था। फिर देखिए आर्टिकल आया है सीधे और पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 324 जैसा कि आप लोग को पता है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से। उसके बाद आर्टिकल 315 की बात करते हैं हम लोग, तो लोक सेवा आयोग से। उसके बाद 280 की बात करते हैं, फाइनेंस से है। देखिए फाइनेंस यहाँ दूसरा, मतलब ये हो गया दूसरा की बात कर रहे हैं, यहाँ सब लिखा है। और फिर आर्टिकल 338 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये, तो देखिए आप ये ऑप्शन इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में है, कथनों पर विचार करना है। ये सब क्वेश्चन अभी आसान लग रहे होंगे, जब एग्जाम में बैठते हैं तो प्रेशर अलग रहता है, तो वहाँ क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक पॉइंट को समझिए और सुनिए। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, तो ये सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, यह गलत हो जाता है। ये आर्टिकल आपका 76(4) के तहत क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो रिजाइन भी उन्हीं को देगा और वो पावर भी है कि हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ही कैन बी रिमूव बाई द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट नहीं रिमूव कर सकते हैं, आपको पता है मंत्रिपरिषद होती है, इनके पीछे वो सलाह देगी तभी कुछ होगा। नीचे दो कथन है जिनमें रीजन असेशन और रीजन है। देश का पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कालक्रम में लगाना है, और अच्छा कालक्रम में लगाना नहीं है, कौन से अंतिम थी कह रहा है, तो मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को होता है, खिलाफत 1919 से शुरू होता है, होम रूल आंदोलन 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। होम रूल आंदोलन आपको पता है कि एनी बेसेंट और तिलक जी संबंधित है, तो देखिए ये मोपला विद्रोह जो है 20 अगस्त 1921 को हुआ, तो वही आंसर सही है। फिर है पर्वत दिया है, देश दिया है, किलिमंजारो, किलिमंजारो को आपको पता है कि तंजानिया से संबंधित है, ये हाईलाइटेड भी है, तंजानिया, और सब हो सकता है ना कर पाए, लेकिन ये हाईलाइटेड है किलिमंजारो। लेकिन आप देखेंगे ये ऑप्शन फिर कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा, अब इसमें दोनों में हम लोग करेंगे। फिर कहा है टुबकल, टुबकल जो है संबंधित है मोरक्को से। उसके बाद ये ए ऑप्शन सही है। स्टेनली की बात करते हैं हम लोग, युगांडा से संबंधित है। हांगर की बात करते हैं तो अल्जीरिया से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट है व्याधि और कारक, डिजीज जिसे बोलते हैं, व्याधि मतलब डिजीज। पेप्टिक वक्र, अल्सर जिसे बोलते हैं, पेप्टिक वक्र, तो ये है वायरस से। डेंगू की बात करते हैं हम लोग, तो ये भी देखिए, ये सॉरी पेप्टिक वक्र वर्ड की बात करते हैं तो ये वायरस से नहीं है, बैक्टीरिया से, विषाणु लिखा है यहाँ। और डेंगू की बात करते हैं, ये वायरस से होता है। उसके बाद फील पाँव की बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है कृमि। और मलेरिया की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन सी सही है। 25 का क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन, विधान परिषद की बात हो रही है, के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, ये भी सही है। कुछ जगह एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको हो सकता है 40 से कम मिल जाए एक आध जगह, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको पता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, तभी से मनाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनः नामित किया गया है? तो 2021 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं, यही सही है। घोषणा से पूर्व की कार्य विधि मान्य होगा, उसके पश्चात नहीं, जब तक शून्य घोषित किया गया है, जब तक शून्य घोषित नहीं किया गया है तब तक उनका सारा कार्य मान्य होगा। लेकिन अगर जो घोषित हो चुका है तब कोई कार्य करते हैं तो ऑफिशियली नहीं मान्य होता है, वो चाहे जो काम करे लेकिन ऑफिशियली नहीं होगा उनका मान। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, तो उस दिन का तो मान्य होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए केवल सही है, यहाँ कह रहा है कि घोषणा होने के दिन की बात कर रहा है, तो उस दिन मान्य होता है, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है नहीं मान्य होता है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया है? तो जैनुल अबिदीन नाम है उनका। भारत के किस भाग में हांगुल का हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, आपको पता है कि वहां का ये राष्ट्रीय भी है पशु। संधारणीय विकास के संदर्भ में, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहा है विचार करना है। तो वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ये सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत हो जाता है। तो पहला इसमें सही था। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये सुनील चोपड़ा को चुना गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालानुक्रम में लगाना है, तो इसमें जो है सबसे पहले आया संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद फिर प्रारूप समिति का नियुक्ति होती है, और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है, लेकिन प्रवृत्त होने की तिथि जो लास्ट वाला था वही है जो अपने प्रस्तावना में उल्लेखित है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है कह रहा है यहाँ पर? तो फैशन कौन सा सही नहीं है, सेवाओं के बारे में है ये, सेवाओं के बारे में। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, ये गलत हो जाता है। बाकी पीएमआई सर्विसेज जो है 2022 जुलाई में, जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है, बिल्कुल सही है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। अब इस क्वेश्चन का कराने का पर्पज सीधा सा ये है कि आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे फैक्ट कुछ दिया होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है और हमें पता नहीं चलता, तो इसको पढ़ने से ये पता चला कि हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई जो भी इकोनॉमिक सर्वे सर्वे हो गया, बजट हो गया, इस समय अगर आगामी योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। या फिर जैसे हम लोग किसी चीज में ग्रोथ किए हैं, किसी सेक्टर में ग्रोथ किए हैं, तो एक तो पहले नंबर तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता है, और किसी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर, मतलब बनता है स्टेटमेंट उस पर बनता है, तो इस सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप
इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक सर्वे का सार पढ़ रहे हैं तो, या उसमें कोई टर्म आता है तो भी पूछ लेता है। अब कवित्री है और पुस्तक है, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दयाबाई विनय मल्लिका का है, बिल्कुल सही है। सहजोग बाई सहज प्रकाश का है। सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता है। गंगा बाई जो है गणेश देव लीला की पुस्तक का नहीं है। कैप्टन हॉकिंस का नाम सुने ही होंगे, कह रहा विचार करना इस पर। 1611 दिया है, जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आए थे, और या वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। निम्नलिखित पेशवाओं के संदर्भ में कालानुक्रम में लगाना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आए बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट, फिर माधवराव आते हैं, फिर नारायण राव सबसे बाद में आएंगे। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें रेगिस्तान है, बढ़ते क्रम में लगाना है यहाँ पर। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है, उसके बाद गोबी मरुस्थल आ जाता है, आपको पता है ये गोबी मरुस्थल कहाँ है, चाइना के पास, चाइना, और उसके बाद अरेबियन मरुस्थल के मरुस्थल हो जाता है, उसके बाद सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है? तो परम पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, ये तीनों प्रकार है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुहु कौन अधिकारी होता था? तो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। आप देखेंगे जो भी, जैसे कि चाहे मध्यकालीन हो गया या प्राचीन हो गया, तो ये इसमें से ना टैक्स वाला, टैक्स से संबंधित है या प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से कुछ भी संबंधित है टर्म, वो जरूर पूछता है। आप देखिएगा एग्रीकल्चर से हो गया, किसी से हो गया, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो यही चीजें पता चलती है कि क्या पूछा जा रहा है। तो किसी से संबंधित पूछता है, प्रशासन से और टैक्स से, इनको आप याद रखिए कि किसके लिए उपयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में जो महिला रेजिमेंट थी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, और रानी झांसी रेजिमेंट उन्हीं के नाम पे था। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में लेटराइट मृदा की बात करते हैं, कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आप देखेंगे कि यह मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यही सही है। इस मिट्टी में लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम की मात्रा में कमी पाई जाती है, ये गलत हो जाता है, ह्यूमस उमस की मात्रा में होता है, क्योंकि पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो अजी देखिए अजुद्दीन खान, अजीजुद्दीन खान नाम है उनका। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून स्टेटमेंट दिया है, दो असेशन रीजन में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये सही है, ये लौटता हुआ मानसून से जो है वो होता है, यहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु तट पे, तो ये उस समय शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ये सही है। अच्छा वृष्टि छाया क्षेत्र हो सकता है कि ना जान रहे हो, जहां पर छाया पड़े, ठीक है, तो बारिश का छाया है, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती तमिलनाडु की तट पे, तो अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ये, इसीलिए। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट और रीजन सही है, और सही व्याख्या भी है इसमें। पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबंध होने से। फिर है संघीय बजट की बात करते हैं, ये 2023-24 का है, आवंटन के संदर्भ में। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, ये भी सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट केवल सही है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कह रहा है? तो पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्थाओं के स्थान पर द्वि स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये देखिए अशोक मेहता की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये द्वि स्तरीय बोले थे, द्वि स्तरीय होना चाहिए, तो यही है। ये आप बताएंगे कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ये किसने दिया था, जो अभी भी लागू है, इसलिए राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत हो जाता है। प्राचीन काल के भारत का जो आक्रमणों के संबंध में है, कौन सा कथन सही कालानुक्रम में है? तो यूनानी आय शक आय कुषाण आय। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की किसी विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन और अमेरिकी वासियों को जाएगा ये, फिलीपींस। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है कि 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है, न्यूजीलैंड का उद्देश्य ये भी है।
यहाँ देखिए फरवरी स्टेटमेंट असेसन और रीजन का क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है, ये सही है। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है। फिर देखिए प्रावधान दिया है इसमें, राजभाषा का भाग सही है लेकिन ये जो है अधिकरण का भाग जो 11 दिया है ये गलत हो जाता है। बाकी सब इसमें सही है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों से संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए अभी ये आर ओ और ए आर ओ में भी रिपीटेड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में था बट रिपीटेड था 2023 वाला जो अभी हुआ है 2024 में, तो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं बट उसको ध्यान से पढ़िए। अभी यहाँ पर कराने का यही उद्देश्य है, थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिए। हाँ चीजें जनसंख्या के थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करेंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। जनसंख्या के सिद्धांत की बात करते हैं और इसमें सिद्धांतों के प्रतिपादक की बात करते हैं, तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत की बात करते हैं। जो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो दिए हैं ये दिए हैं आपके एडविन केनन, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे। चलिए आइए सामाजिक अपसंयोजक सिद्धांत की बात जब करेंगे तो हेनरी जॉर्ज का नाम ले लेंगे उसमें। फिर जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग तो इसमें थॉमसन का नाम ले लेते हैं, लेकिन जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो हमेशा सुनते होंगे माल्थस का नाम ले लेते हैं, तो आप देख लीजिए इसमें डी ऑप्शन मेल खाता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट की बात करते हैं, कौन जारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक कौन लिखा है तो बिमल जालान जी लिखे हैं। पौधों में जाइलम, देखिए जा से याद रखिएगा जल होता है और फाइलम होता है इसमें, फाइलम फाइलम की बात करते हैं तो फल मतलब फूड सप्लाई होता है इसमें, जाइलम और फ्लोयम होता है, फ्लोयम होता है फाइलम लिख दिया हूँ, तो भोजन जो होगा यहाँ पर फूड भोजन होगा वो फाइलम होगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है भंडारण करती है और पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है, अब बताएंगे आप कौन से आर्टिकल में है ये, हालांकि आर्टिकल का जिक्र होना चाहिए आगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है तो अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर ये हिंदी वाला क्वेश्चन अभी मत पढ़िए, इसमें देखिए आर्टिकल 109 प्रोवाइडेड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसिंग इन सर्टेन केसेस, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है ये उस समय का क्वेश्चन गलत रहा हो, तो यहाँ पर 109 नहीं है ज्वाइंट सिटिंग, अब आप बताएंगे, सॉरी हमने तो लिख दिया, तो जो है ये आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में है। दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, बाकी लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई ये सब है। आप एसडीजी गोल को जरूर याद रखिए, एसडीजी गोल से हमेशा क्वेश्चन आता है पीसीएस में, टोटल कितने गोल हैं, टोटल टोटल आपको पता है कि कितने गोल हैं, प्लस जो है आप ये भी याद रखिए कि कौन सा 13 है 14 है 15 है या फिर 1 2 3 ये सब पूछते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है तो चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा को चंदौली से याद रखिएगा। पीएम गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है, पहले आप ये जानिए कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना जो है शुभारंभ 2023 में किया गया ये गलत हो जाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों सड़क रेल एयरपोर्ट बंदरगाह और जनसंचार साधनों जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना की संबंधित परियोजनाओं में पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, केवल यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था तो 10वां स्थान। फिर देखिए ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है, 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे होते हैं हिस्ट्री के कि नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन जब नहीं आए तो छोड़ ही देना चाहिए नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होता है, तो दोनों यहाँ पर सही है। भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया तो 2070 तक, ये बजट में आया था और अच्छा क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है कह रहा है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल रू अर्बन लिखा है, रूरल और अर्बन मिशन है 2015 ये गलत हो जाता है। रूरल हाउसिंग इंटर स्टेट इंटरेस्ट है ये सब्सिडी स्कीम है 2017 सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में सही है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय थीम था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा यही थीम थी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो इंसुलिन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दिया है और इसका जो है
विषय दिया है। तो मीरात ए सिकंदरी की बात करते हैं तो गुजरात विजय से संबंधित है। उसके बाद बुरहान ए मासरी की बात करते हैं, मासिर की बात करते हैं, तो बाहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें, ठीक है। रियाज उस सलातिन की बात करते हैं तो इसमें बंगाल का इतिहास है। फिर रियाज उल इंसा की बात करेंगे हम लोग तो महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है ये, ठीक है। सॉरी इसमें लगा दिया। सॉरी रियाज उस सलातिन की बात जब करेंगे हम लोग, देखिए रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है इसमें, ठीक, ये हो जाता है। और रियाज उस इंसा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। अब ये सही है। चौथा दूसरा पहला किस्सा, भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है हरियाणा में, गुरुग्राम में किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो ये कीटनाशक जो है पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण होता है, एक होता है इन सीटू एक होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू संरक्षण में ऐसा होता है कि जहां पर जीव है वहीं पर ही संरक्षण किया गया है, एक्स सीटू में ले जाके करते हैं। जीन पुलिंग तो जान रहे होंगे कि ये भी ले जाके करते हैं, ये एक्स सीटू के अंतर्गत आएगा। जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्रभावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वायुजोला है। परावैगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, तो संताप मंडल में है, यूवी किरण के लिए है संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं जिसे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में नामित नहीं है, तो कानपुर नामित नहीं था, बाकी चार थे। आप चारों बताइए, तीन तो यहाँ दिया है, एक और बताइए। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु तो अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है, तो 15 वर्ष के लिए। निसार उपग्रह पूछ रहा है कि किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, तो इसरो और नासा। निसार बस इसे याद रखिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, नासा और इसरो का है। फिर यहाँ कह रहा है कि बंदरगाह देश सुमेलित नहीं है, तो इकारगा चीन का नहीं है, बाकी मॉन्टे वीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडेम नीदरलैंड। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है मीरा कुमार जी है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी इससे मिलित नहीं है, तो प्रणहिता जो महानदी का है ये गलत हो जाता है, बाकी हेमावती कावेरी का, मंजरा गोदावरी का, मालप्रभा कृष्णा का है, ये सही है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात हो रही है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फिर यहाँ पर कह रहा है कौन सा कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, योजना है, तो गंगा एक्सप्रेसवे है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, तो यही सही है इसमें। ये सब जैसे करंट के क्वेश्चन थे तो उस समय जो हाईलाइटेड रहते हैं रिपोर्ट बाद में आते हैं, तो इसीलिए करंट के बन जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो प्राकृतिक वास का विनाश जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर एक नदी स्थित है रियो ग्रांडे जिसे बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये भी सही है। और रामगंगा आप बताइए कि कौन से टाइगर रिजर्व से जाती है, बहुत हाईलाइटेड है ये, तो आपको पता चला कि गंगा की सहायक नदी है, कन्नौज के पास मिलती है, लेकिन आप ये बताइए कि कौन से टाइगर रिजर्व से गुजरती है, तो यही स्टेटमेंट सही है। बाकी बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, ये गलत हो जाता है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र के बारे में, राजकोषीय प्रबंधन में कौन सा वाक्य सही है, तो GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, बस यही सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, कह रहा है, तो दोहरे दंड की धारा ये है, कायोत्तर विधि जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं, तो ये भी सही है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध भी है ये, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध जो है नहीं है, प्रोविडेंट अगेंस्ट टॉर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभी ये भी क्वेश्चन मतलब करंट का था कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था, तो टैक्स स्कैंडल आया था उनके खिलाफ इसीलिए। फिर आया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 का अधिनियम जब आया था, 1919 है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम उसको बोलते हैं, तो वही आया था।
अमाले मिंटो जो है 1909। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि की बात है, सुमेलित करना है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये गलत हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए आवंटित है 2023-24 के, क्योंकि अब ये नया बजट आ चुका है तो ये इससे उतना संबंध नहीं होगा। फिर भी क्वेश्चन फ्रेम जो कर रहे हैं उनका पता नहीं होता कि कौन से बजट से पूछ ले। फिर बात करते हैं कि कथन दिया है और कारण दिया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। सही है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसका व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। फिर है कि संसद के सचिवालय में सचिवालय के पदों के संदर्भ में है, अनुमोदित में से कौन सा सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर है शिवाना समुद्रम और कलपक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कलपक्कम आपको पता होगा नाभिकीय ऊर्जा है, शिवाना समुद्रम याद रखिएगा कि जल शक्ति के लिए। फिर है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में है, संघ वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस की बात हो रही है। संघ वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, गलत हो गया। या अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत हो गया। तो दो यहाँ पर देखेंगे, ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई नहीं सही है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण के संयंत्र के उद्घाटन किया गया था, तो ये जो है तुमकुर कर्नाटक में किया गया था। खनिज संपदा के संदर्भ में है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये सही है। भारत अनेक खनिजों तथा यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति आयोग मतलब नीति निदेशक तत्व तो, तथा फंडामेंटल कर्तव्य दोनों का एक भाग है, तो पर्यावरण का संरक्षण जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी में भी है। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रिया नहीं है, कह रहा है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं होता है, जो आप देखते भी होंगे लोग स्वेच्छा से करते हैं, तो वो फाइनेंस के लिए नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे उसमें बताए तो हम लोग यहाँ पर भंडारा बहुत होता है किसी चीज के लिए, तो भंडारा का मतलब यही होता है कि हम स्वयं से लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कह रहा है, तो अनूठी उपहार योजना जो है यही सही है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसे बोलते हैं, किसके लिए एक मानक दंड है, तो ये वही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करता रहता है, ये लगा देते हैं उसी में, पूरा सोलर से चलता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कौन से हैं, तो मरुद मृद जानवर बोलते हैं उसे, मरुद मत जानवर, जेरी कोल्स एनिमल। भारत की प्रमुख नदियां हैं, उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाना है, तो यमुना नदी की बातें अगर हम कर रहे हैं तो यमुनोत्री से कर दीजिएगा। तीसरा नदी की बात कर रहे हैं तो महाबलेश्वर से करिएगा। गोदावरी की अगर बात कर रहे हैं तो नासिक, महानदी की बात करते हैं तो सिहावा, तो आप देखेंगे इसमें ये ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा है और राज्य है जो सही सुमेलित है, तो नीति पास जो है उत्तराखंड है, नीति माना ये सब है, लेकिन यहाँ दिया माना हिमाचल प्रदेश, टीफू लद्दाख और अघिल जो है अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो अनुशीलन समिति जो था वही उत्तरदायी था। आर्थिक विकास में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, बिल्कुल सही है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, ये दोनों सही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ अभी हमने कहा ना कि एसडीजी गोल से पूछता है, तो यही पूछ लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये SDG 10 पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो असमानताओं में कमी, तो देखिए असमानताओं में कमी तीसरा ऑप्शन है यहाँ। फिर SDG 13 का बात कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से है, क्लाइमेट की बात करता है ये। उसके बाद SDG 14 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पानी के नीचे का जीवन है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हो गए। SDG 15 की बात करते हैं तो फिर जमीन के ऊपर का जीवन है, 15 में पहले पानी में जाएंगे फिर जमीन पे आ जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें सी सही है, सॉरी इसमें हमने क्या कर दिया, दो दो चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है तो न्याय का गौतम है, यही सही है, आपको पता है पतंजलि का ये है, नहीं योग से संबंधित है ये,
कंडव मीमांस, उत्तर मीमांस, कपिल, नहीं डॉक्टर कर दीजिए। खरीदार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, खरीदार उसको बोलते हैं जो फरमानों को भेजता था, वो अधिकारी। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का मध्यकालीन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको, उसके बारे में खरीदार उसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुन्नार मेटल ने लिखी है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अभी तक 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं, 4 क्वेश्चन। सोचिए 2023 के पेपर में 4 क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, एनवायरमेंट का ही टॉपिक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सब्सिडी 9% सही नहीं है, बाकी ब्याज भुगतान 20% था, करों और शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% और रक्षा व्यय 8% था। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में। मैं चाहता तो ये सब का एक्सप्लेनेशन लिख देता, लेकिन इस समय टाइम टेकन लगता है, हमें तो ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, हमें आगामी तैयारी वैसे करनी है। मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है? तो 4 चैम्बर का होता है, दया निलय बाया निलय ऐसे होता है। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो केंद्र डोनेटस्क होता है, वही का जगह है ये, हालांकि ये यूक्रेन का है लेकिन रशिया ने कब्जा कर लिया है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। G20 में प्रतीक चिन्ह का 7 पंखुड़ियों जो है 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट है कि पुराणों के संदर्भ में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? INS बागीर को, बागीर को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से ग्राम सभा का डिफिनेशन पूछ रहा है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, यही गलत हो जाता है। बाकी इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होता है, ये सही है। या एक समग्र या सॉरी या एक ग्राम स्तर की सभा जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, यही है, ग्राम सभा बोलते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को पहचान की गई थी? 149 की बात होगी, करंट का क्वेश्चन था। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश में केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र नदी हो, नदी को एक उदाहरण है उसका। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन के। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की सीटें 31 है और लोकसभा में 80 सदस्य जो है, तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। झील है और देश सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ओनेगा कनाडा का नहीं है, बाकी माराकाइबो जो है वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, वैकाल जो है रूस का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? नहीं है पे ध्यान दिया कीजिए, तो इल्तुतमिश रजिया के पिता सही है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री सही है, हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत हो जाता है, शाह तुर्कन की बात करता है, तो इल्तुतमिश की पत्नी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम कर रहे हैं करंट का भी, तो इसी आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। डेक्कन विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे आप, तो कौन सा कथन सही है? या एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया था, ये भी सही है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो नोबेल गैस नहीं है कह रहा है? तो एक्टिनियम नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टन, राडॉन, राडॉन लिखा है, तो रेडॉन होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ देखिए रेडॉन सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय इसके लेखक हैं, लेखिका है। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो क्रिस हिपकिंस। चरक संहिता की बात करता है तो कितने अध्याय और कितने खंड है? 120 अध्याय और 8 खंड है इसमें।
फिर इसमें है कि भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो NCMB स्थित है भावनगर में, मरीन डायवर्सिटी। ये करंट का क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि थ्योरी था पहले का था। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाई ओर विक्षेपित होना कोरियालिस बल के कारण होता है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाव करता है? तो टॉक स्वाइट। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो नेफेथिन्स जो है वो कीट भक्षी पौधा होता है। ये लोग नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर कह रहा है mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग COVID-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया है, तो मॉडर्ना का, मॉडर्ना नाम है। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना का कार्य जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो 1861 से प्रारंभ हुआ था, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, ये नहीं कह रहा है सिस्टमेटिक वे में प्रारंभ हुआ था, सिस्टमेटिक वे में तो बाद में हुआ था, लेकिन 1861 में हुआ था। निम्नलिखित विषयों में कौन सा संविधान की अनुसूची विशेष सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरा अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से है, 10वीं अनुसूची दल बदल से होता है, 8वीं अनुसूची भाषा है, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में आवंटनों से संबंधित ही नहीं, तीसरी अनुसूची। पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थल है, तो निवासा की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में है, ईसमपुर की बात करते हैं तो कर्नाटका हो जाता है, डिडवाना की जो बात करते हैं तो राजस्थान, गुडियामा गुफा की बात करते हैं तो तमिलनाडु। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन सी सही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत जो नाटू नाटू है उनके कौन है रचनाकार? तो MM कीरावानी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 का विद्रोह का जो है सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी में जो है 11 मई 1857 को नहीं विद्रोह शुरू हुआ था, बाकी लखनऊ में 4 जून को, मेरठ में 10 मई को, बैरकपुर में 29 मार्च को शुरू हुआ था। तो ये था PCS का 2023 का पेपर, जो कि बहुत एक्सप्लेन नहीं किए, आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसीलिए ये सब आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा, बस देखना था क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होता है। तो थैंक यू।